हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शेल्डन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो सबसे पहले ये थ्योरी विलियम शेल्डन ने दी थी। उन्होंने क्या कहा कि बॉडी का जो टाइप है और पर्सनालिटी के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं। उन्होंने बॉडी टाइप्स के बेसिस पर पर्सनालिटी को क्लासिफाई करा। तो उन्होंने कौन कौन सी पर्सनालिटी दी, एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स। तो अब हम इन तीनों पर्सनालिटीज को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एंडोमॉर्फ्स, इस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, जो कि राउंड होते हैं, उनकी सॉफ्ट बॉडीज होती हैं, ठीक है, और लार्ज एब्डोमेन मतलब पेट। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो थोड़े दिखने में गोलू मोलू से होते हैं, ठीक है। इन लोगों की पर्सनालिटी होती है विसेरोटोनिक पर्सनालिटी। इसका मतलब है ये लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, रिलैक्स रहते हैं और कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए एंडोमॉर्फ्स पर्सनालिटी वाले लोग। अब मेसोमॉर्फ्स में कौन आते हैं, जिनकी बॉडी होती है मस्कुलर, स्ट्रांग बॉडी वाले, और इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, सोमोटोनिक पर्सनालिटी। इसका मतलब है कि ये लोग एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, असर्टिव होते हैं। असर्टिव मतलब होना बोल्ड होना, जो कि अपने डिसीजंस खुद लेता है और उस पर अड़ा रहता है, ठीक है। और नॉइजी होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। बेसिकली ये कुछ ट्रेट्स हैं जो मेसोमॉर्फ्स पर्सनालिटी वाले लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक्टोमॉर्फ्स पे चलते हैं। एक्टोमॉर्फ्स जिनकी पर्सनालिटी होती है, उनका बॉडी टाइप कैसा होता है, पतले लोग होते हैं इस कैटेगरी में, बोन्स उनकी स्मॉल होती है, नाजुक होते हैं, फ्रेजाइल यानी कि नाजुक, एक ही बात है। और इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, सेरेब्रोटोनिक पर्सनालिटी। इसका मतलब ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, केयरफुल होते हैं, ठीक है, और नेचर में थोड़े शाई होते हैं, शर्मीले होते हैं, और सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, अपने बारे में मतलब अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, और थोड़ा संकोची होते हैं, एकदम बोल्ड नहीं होते हैं, थोड़ा हिचक जाते हैं कई बार कोई चीज बोलने कुछ करने से पहले। तो ये थी हमारी विलियम शेल्डन की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।